हरि ओम, नमो नमः, सुप्रभातम। तो करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है। मौसम तो कल आई थी बारिश, और बारिश के बाद काफ़ी अच्छा हो गया है मौसम, काफ़ी बढ़िया खिलखिलाती धूप निकल गई है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन धुंध अभी साफ़ नहीं हुई है, तो हिमालय पर्वत अभी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। बाकी फ़िलहाल धूप आ चुकी है, बाकी देखते हैं दिन भर कैसा रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं लाई तोड़ने के लिए, और दिखाती हूँ आपको इस सीजन की लाई, बैसाख के महीने की लाई कैसी हो रही है। बाकी फिलहाल हमारी पारो है यहीं पर, पारो बाहर से वादी है, अभी इसको थोड़ी देर में नहलाएंगे और उसके बाद मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। तो दिखाते हैं आपको हरी भरी लाई की सब्जी, हरी साग। तो ये हमारे माथेवाड़ा के खेत है, यहाँ हमने बो रखी है लाई। देखिए, आपने देखी है इस सीजन में लाई तो हमारी हो रही है इतनी बढ़िया लाई, ये देखिए। तो ये देखिए बढ़िया सी लाई हो रही है हमारी, इतनी अच्छी लाई किसी ने खाई है इस मौसम में, और उगल भी हो रहा है काफ़ी बढ़िया। तो अभी हम उगल तो नहीं तोड़ रहे, हम सिर्फ लाई तोड़ रहे, क्योंकि हम लाई की सब्जी बनाने वाले हैं आज, इस सीजन की लाई। ये देखिए इतनी बढ़िया हो रही है। तो मई के अप्रैल के महीने में किसी ने लाई खाई है आज तक पहाड़ में? प्लेन्स में तो मिल जाती है, लेकिन पहाड़ों में नहीं मिलती है। बैसाख के महीने की लाई देखो, मम्मी ने तोड़ दी है लाई। तो आज हम बनाने वाले हैं लाई का साग तबकी। तो ये देखिए इतनी हो गई हमारी लाई, आज का टपकी हमारा। बाकी एक सब्जी और होती है, बाकी उगल हो रहा है। देखिए उगल भी हो रहा है काफ़ी बढ़िया, चार पांच ही बूट हैं उगल के। तो यहाँ हमने इस बार नई जगहों में बो दिया था, यहाँ हमने डाली थी नई वाली मिट्टी अपने आंगन की, तो उसमें बढ़िया सी लाई हो गई है। इसमें बो दिया था लाई और उगल, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इस सीज़न में और इतनी टेस्टी सब्जी हो रही है, हमने एक दिन बना दी है और आज दूसरे दिन खा रहे हैं। इधर को हैं जमात, इसमें हम लगाएंगे, देखते हैं क्या लगाते हैं, अदरक या कुछ। बाकी और बार हरी मिर्ची लगाते हैं, अब हरी मिर्ची लगाना छोड़ दिया क्योंकि पानी नहीं है, तो इसलिए हमने हरी मिर्ची लगाना छोड़। ये देखिए गुलाब के फूल, कितने बढ़िया गुलाब खिला हुआ है, बाकी पानी नहीं होने से फूल तो सूख गए हैं। और ये देखिए गुलाब के पेड़ में हो रहा है काफ़ी बढ़िया। आजकल हमारे वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं डालती इसमें पानी, कल आएगा, कल डालूंगी अब। लेकिन थोड़े बारिश की वजह से थोड़ा प्राण जैसे आ जा रहे हैं फूल के पेड़ों में, और ये तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये छाया में है तो इसमें काफ़ी अच्छा गुलाब खिला है। ये देखिए भाई जी की फूल। अभी हम आ गए हैं उगल लेके और लाई लेके, तो मम्मी धो रही है लाई। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में, फिलहाल कर लेते हैं हम काम और उसके बाद मिलते हैं। तो ये लाई मैं अभी काट लेती हूँ और बनाएंगे हम इसको दिन में, क्योंकि अभी हमने जाना है खेत में बिनौड़ा रखने के लिए। तो फटाफट से इसको काट के रख देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में खेत में जाने के बाद। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और हम आ चुके हैं खेत में। तो आज हम रख रहे हैं बिनौड़ा, बाकी गेहूँ भी पक चुके हैं, कल परसों से गेहूँ कटाई का भी काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी बिनौड़ा रखने का काम कर रहे हैं, तो आज हरगड़ी में रख रहे हैं बिनौड़ा। तो अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से रख रहे हैं। बाकी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम आए थे सेरे की साइड, यहाँ से हम जा रहे हैं हरगड़ी को। तो अभी जाते हैं और फिर रखते हैं बिनौड़, और आपको दिखाते हैं किस तरह से बिनौड़ा रखा जा रहा है। और थोड़ा पानी हो रहा था कल, आज देखते हैं पानी है कि नहीं है, सूख गया या है। तो चलिए चलते हैं खेत में और मिलते हैं आपको खेत में जाके। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हरगड़ी में, और देखिए बिनौड़ा रखने के लिए यहाँ पर कल से खोद के रखा है खेत, और ये देखिए यहाँ पानी से कैसा हो चुका है, ऐसा लग रहा है रोपाई हो रही है फिर से। और इतना पानी आया है आज हरगड़ी में काफ़ी ज़्यादा, पूरे खेत यहाँ भरे हुए हैं लबालब, और ऊपर गेहूँ कटाई भी शुरू हो गई है। तो एक कल परसों से हमारे यहाँ भी हो जाएगी गेहूँ कटाई शुरू। अभी फ़िलहाल हम आज बिनौड़ा रख रहे हैं, तो फिलहाल ये खेत बना दिया है बिनौड़ा रखने के लिए। तो इसमें दो भाग किए हैं, इधर को बुआ रख रही है, तो बुआ आ रही है वहाँ से, और बाकी उधर को हम रख रहे हैं। और ये कल इन्होंने खोद के बढ़िया सा सह दिया है, ये जिला जुलू के काफ़ी सुंदर सा बना दिया है। तो फटाफट से इसको रखते हैं बिनौड़ा और आपको दिखाते हैं कैसे रख रहे हैं। तो मम्मी जा रही है गुल्ला थान में पिठ्याक्षत चढ़ाने के लिए, तो वहाँ हमारे गुलजू का थान, हरगड़ी के जो गुलजू हैं वहाँ का उनका थान है उधर मंदिर। ये देखिए ये है मंदिर, और बाकी यहाँ सब बिनौड़ा रख रहे हैं नीचे, पर मुद्दा लोगों के खेत में भी रख रहे हैं, ये भी किसी ने कमा रखा है पारगाड़ वालों ने, वो भी रख रहे हैं और हम भी रख रहे हैं। आए ये बुआ यहाँ सारी है खेत को, अभी
अभी लबालब बना रही है। 3 दिन से ये दोनों क्या कहते हैं, बोजी और नंद दोनों यहाँ लगे हुए हैं खेतों में, पता नहीं क्या करने में लगे हैं। और आज फिर और लगे हैं उसी में, और वहाँ बोजी भी रख रही है। ये सब बिनौड़ रख रहे हैं, आज तो दिखाते हैं आपको किस तरह से रखा जा रहा है। तो बुआ यहाँ खाद बोने लगी है पहले नीचे से, उसके बाद बोएगी धान। ये देखो शुभारम्भ हो गया है। तो यहाँ पर अब ठिया और अक्षत चढ़ा रहे हैं। देखो बिनौड़ रखने से पहले भी पिठिया अक्षत चढ़ाया जाता है, और बाद में रुपाई के टाइम पे भी। मम्मी पूजा करके आ गई और यहाँ भी चढ़ा दिया। तो ये देखिए हमने धान भी रख दी है बोने के लिए, तो ये वाले धान बो रहे हैं। ये अंगूरी राइस बो रहे हैं हम इस बार। यहाँ अंगूरी राइस होगा हमारा। ये देखिए अंगूरी वाले धान है। तो बुआ लेगी धान बोने के लिए, बिनौड़ा रख रही है बुआ हमारे उसमें। देखो पहले ये देखिए, जय हो भगवान, खूब झक्क करना जाम जो बल कामनी हो बढ़िया रोप लगोनी वाल। बिनौड़ कुल्यण में रजो रोज आप ही कुली जो को। तो मम्मी बोरी है यहाँ से खाद, और बुआ बोरी है धान का बीज। खाद भी बोना पड़ता है क्योंकि थोड़ा अच्छा जमेगा। ये देखिए ये बो दिया है, बाकी बुआ बोरी अभी धान यहाँ पर। तो इस तरह से रखते हैं बिनौड़ा। ये देखिए ये रख दिया है बीज, धान बो दिए हैं, बिनौड़ा रख दिया है आज हरगड़ी में। और यहाँ गेहूँ कटाई हो रही है ऊपर, और हमारी यहाँ बिनौड़ रखाई हो रही है। ये देखिए यहाँ भी रख रहे हैं, और ये देखिए इस तरह से बोए हैं। अब इनको ढकेंगे मोह से, तो मम्मी वहाँ मोह खन रही है। तो ये रख दिया है बिनौड़ा, देखो अब इसको रखेंगे, छोपेंगे इसको अभी मोह से। तो देखिए अब मोह फींचने लग गए हैं इसके ऊपर, तो इसको ढकना पड़ता है, नहीं तो चिड़िया और ये सब खा देते हैं चढ़ पिटंग, तो इसलिए इसको ढकना पड़ेगा गोबर से। ये देखिए इसको छोप देंगे, और ये 2-3 दिन में जम के तैयार हो जाएगा। और बुआ अपने साइड को बोरी है, ये देखो यहाँ को हमारा है, इधर को बुआ का है। ये देखिए अब बुआ ढकने लग गई है, बुआ लेके आई है पतेलू का मोह। ये देखो बुआ ने पतेल सूर के यहाँ मोह बना दिया है। ये देखो अब छोप रहे हैं इसको, और बाद में जब ये जम जाएगा तो फिर हमको ये पतेल उठाने भी पड़ेंगे, क्योंकि इससे फिर बिनौड़ा ऊपर को नहीं आता है। तो जैसे ही जमने लगेगा फिर हम इसको साफ भी करेंगे। फिलहाल इसको अभी ढक रहे हैं। ये देखो तो ये चल रहा है हमारे वहाँ का आजकल कार्य। तुम्हारे आम्बू नाराज है कि भले कि तू आबू गौड़ में नहीं धर, यहाँ किला धरो तूल बिनौड़ कने तूल हम गौड़ में बिनौड़ धरण चैची है, तू यहाँ धरण ही बता दे कौन हालो। और यहाँ मम्मी डाल रही है मोए,
ये देखिए ये छोप दिया है, अब तो थोड़ा सा और रह गया, इसको ढक रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ पानी के घट नाचे हैं, और ये देखो ये पानी की खोज में जा रहे हैं तीन जने। ये बोझियों को देखो, ये इनके वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है क्योंकि इनका उधर है रास्ते के पार खेत, तो ये यहाँ आए हैं पानी ले जाने के लिए। और यहाँ बहुत ही पानी हो रहा है, तो अब ये उधर को ले जाएंगे तो यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी बिनौड़ा रखना है, सभी ने बिनौड़ा रखना है। बाकी यहाँ हमारा बिनौड़ा रख दिया गया है। तो ये देखिए बिनौड़ा हमारा आज यहाँ रख दिया गया है, फाइनल मतलब शुरुआत है आज। तो अभी शहर में रखना है और एक शेल्टीट के लिए रखना है, दो जगह और है हमारे खेत, बाकी यहाँ रख दिया है। और अब देखते हैं कितने दिन में ये जमता है। ये देखो ये चल गया है, अब बिनौड़े का कार्यक्रम भी शुरू। अब हम जा रहे हैं घर को, ये बुआ और मम्मी बिनौड़ रखने वाले थे हमारे यहाँ आज के कारीगर, तो चलिए अब चलते हैं घर को। और यहाँ बोझी ने भी रख दिया है, ये छोप भी दिया है पूरा। ये देखो बोझी का तो मोह भी सफ़ेद पट्ट हो रहा है। ये देखो बोझी ने भी रख दिया है। देखिए यहाँ पर बन गया है एक बैंकेट हॉल, हम अभी आ गए बिनौड़ा रख के सब घर को। और ये देखिए यहाँ पर मंदिर के यहाँ पर इधर है। तो खेत से आने के बाद मैं आपको मिल रही हूँ अब सीधे शाम को 4 बजे। तो अभी हम लोग खाना खाना खा के सो के उठ चुके हैं, और अभी मैं दिखाती हूँ अभी शाम के टाइम क्या काम चल रहा है हमारे वहाँ आजकल। तो हम लोग लेके आए थे जवात, तो मम्मी और पापा जवात चूटने में लगे हैं, तो कि उनका बीज निकाल के फिर गाय के लिए हमारे लिए हम अगले साल तक के लिए बीज बना देंगे। तो इस बार ज़्यादा जवाते नहीं हैं, थोड़ा ही है, लेकिन काम वो भी हुआ ही। तो काम के दिन शुरू हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो फिलहाल अभी जवाते चूट रहे हैं मम्मी पापा, तो दिखाती हूँ आपको किस तरह से चूटने में लगे हैं। तो अभी यहाँ पर मम्मी और पापा लगे हैं जवातों का चुटान करने में, तो उसका बीज अलग कर रहे हैं। तो इस बार थोड़े से ही जवात हैं, तो बीज के लिए हो जाएंगे हमारे बोने लायक। तो ये ज़्यादा अच्छे से पके नहीं हैं, तो हरे हो रहे हैं, इनको अभी एक दो दिन सुखाना पड़ेगा। बाकी देखिए जितने बीज निकाल दिए हैं पापा, उनको झाड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद मम्मी इनको बताएगी। बाकी इनको सुखा के फिर हम अगले साल बोने के लिए इनको रख देंगे। तो फिलहाल थोड़ा बीज हो चुका है इस बार हमारा, ये इतना ही। और बार तो हमारे दो दो कट्टे हो जाते थे इस बार, लेकिन ज़्यादा जमात नहीं बोए थे, तो अच्छे जमे नहीं, बोए थे थोड़ा बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं हुए, तो इसकी वजह से हमारा इतने में ही काम चल गया है। तो फिलहाल हो ही जाएंगे, तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हमारा जमातों का काम हो चुका है, और अब अदरक लगा रहे हैं खेत में। अभी हम लगा रहे हैं अदरक, ये तोरा आया हुआ अदरक, 200 रुपये का कितना किलो था ये, 2 किलो ना, 200 रुपये का 3 किलो लाए हैं, तो देखते हैं कितना होगा ये। यहाँ लगा रहे हैं हम माथा बड़ा में अपने, देखिए तोरा रखा है इसमें, तो इसको लगाएंगे तो जल्दी उग जाएगा। तो काफ़ी अच्छा तोर निकला हुआ है इसमें इस बार, तो जल्दी लग जाएगा ये, जल्दी उग जाएगा, तो लगाते हैं फटाफट। तो मम्मी ने लगाना शुरू कर दिया है, तो मम्मी लगा रही है यहाँ अदरक, और पापा निकाल रहे हैं लाइन, तो इसको बोलते हैं हुआर निकालना। तो जो लाइन मतलब लाइन होती है जो, उसमें फिर लगाते रहेंगे। तो मम्मी यहाँ लगा रही है, तो देखिए, तो देखते हैं यहाँ पर पानी की भी दिक्कत है, बूझी लोग के वहाँ आता है तो वहीं से डालते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ से दूर हो जाता है पानी, तो हमारे वहाँ आता है लेकिन काफ़ी दूर हो जाता है। तो चलिए लगाते हैं, और मैंने लगानी है मिर्ची, मैं जाती हूँ घर को। तो मैंने लगानी हरी मिर्ची, तो मैं लगाती हूँ मिर्ची क्योंकि बाड़ में मिर्ची लगानी है। तो यहाँ लगानी मैंने मिर्ची, और ये रखा है बिनौड़ा, तो इसमें लगाऊँगी। तो फटाफट, तो ये है मेरी मिर्ची का बिनौड़ा,
तो ये लगाऊंगी मैं निकाल के यहाँ क्यारी में, और इधर पापा ने खोद दिया है। बाकी इतनी है मिर्ची, थोड़ा सा लगाते हैं अभी, थोड़ा बाकी देखेंगे। बाकी इसमें भिंडी लगाई थी, भिंडी ज़्यादा अच्छी नहीं जमी है, तो उसकी वजह से हमको इसमें अब दोबारा से भिंडी का बीज ला के भिंडी लगानी पड़ेंगी। तो फिलहाल मैं लगाती हूँ मिर्ची। तो लग चुकी है मेरी आज की मिर्ची और आज का काम हो चुका है मेरा फाइनल। तो बाकी थोड़ा बिनोड़ा मैंने रखा है, क्योंकि बाद में अगर पेड़ कहीं पर कीड़े ने काट दिए या कुछ हो गए तो फिर दोबारा लगा सकते हैं इसमें। और इसी के साथ अब इस ब्लॉग को कर लेती हूँ यहीं पे एंड, और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।